कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले लिखे सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, और अपने जीवन में उन्होंने जितने भी प्रयोग किए सब के सब असफल रहे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने इतिहास से नहीं सीखा था, और जो इतिहास से नहीं सीखता है और अपने जीवन में लागू नहीं करता है वो एक न एक दिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मारता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही काम किया। कहा जाता है कि उन्होंने 5 नए नए प्रयोग किए थे, पढ़े लिखे सुल्तान थे, और उन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, द्वार क्षेत्र में कर वृद्धि किया, खुरासान अभियान किया और कराची अभियान, ये 5 अभियान किया। कहा जाता है कि राजधानी परिवर्तन में उन्होंने, उनकी राजधानी दिल्ली थी और वो जो है दौलताबाद को राजधानी लेकर के जाता है, यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत लेकर के जाता है। वो सोचा था कि हम उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को दोनों को प्रत्यक्ष कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने इतिहास से नहीं सीखा था, दक्षिण भारत को समुद्र गुप्त में भी जीता था दोस्तों, लेकिन उसने जो है यहाँ पे ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया था, यानी कि यहाँ के राज्यों को लूट करके वो छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि परिवहन व्यवस्था कमजोर है, हम डायरेक्ट दक्षिण को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत को जीता था, लेकिन वो भी जो है अपने संसाधन को देखते हुए, अपनी परिवहन व्यवस्था को देखते हुए दक्षिण को लूट करके वो छोड़ दिया, लेकिन अलाउद्दीन सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाहा, इसीलिए ये अभियान इसका फेल हो गया और उत्तर भारत में विद्रोह हो गया। ठीक है, और इसीलिए एक अभियान इसका इस तरीके से असफल हो गया था। दोआब क्षेत्र, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उस समय जो धातु की मुद्रा चलती थी दोस्तों, चांदी की, ठीक है, और तांबे की और कई प्रकार की मुद्रा चलती थी, उसको उन्होंने सोचा, उन्होंने जो है अर्थव्यवस्था का ग्रोथ करना चाहता था, विकास करना चाहता, वो पढ़े लिखे शासक था, इसीलिए उन्होंने कहा कि चांदी के जगह सोना के जगह, उनके पास जो संसाधन की कमी थी, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम चांदी के जगह जो है, मतलब कि तांबे की जगह जो है, और ये उन्होंने जो है ये सिल्वर की मुद्रा चला दिया। इसी कारण से क्या हुआ कि सिल्वर की मुद्रा जब चलाया तो लोग अपना हड़िया लोटा बर्तन गला करके जो है कि मुद्रा मतलब बनाना शुरू कर दिए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये। ठीक है, इसी कारण से वो भी अभियान इसका फेल हो गया। दूसरा, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, कहते हैं ना दोस्तों जो अपने परिस्थिति को देखते हुए निर्णय नहीं लेता है वो कहीं न कहीं गलती करता है, तो इन्होंने भी वही किया। दोआब क्षेत्र में जो गंगा यमुना का दोआब है, उस समय यहाँ पे जो है अकाल हो गया था, यहाँ उस समय बारिश ही नहीं हुआ, सुखाड़ पड़ गया था, और उसी परिस्थिति में यह कर वृद्धि कर दिया, तो वहां की जनता एक तो अकाल से मर रहा था और इनका जो सैनिक था, इनका जो अधिकारी था, वो जबरदस्ती कोड़े मार के जो है उनसे जो है कि उसका कर ले लेता था, अब वो खाएगा तो क्या खाएगा, बेचारा भूखे मरेगा, इससे अच्छा है कि वो मार करके मरे। इसीलिए कहा जाता है कि वहां की जनता क्रोधित होकर के एमबीटी के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो अपने परिस्थिति को देखते हुए जो निर्णय नहीं लेता है वो कहीं ना कहीं एक न एक दिन पैर में कुल्हाड़ी जरूर मारता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इसका मतलब दुर्भाग्य भी इनके साथ था दोस्तों। ठीक है, दुर्भाग्य भी इनके साथ रहा, खुरासान अभियान इन्होंने चलाया। ठीक है, खुरासान अभियान में, ठीक है, ये प्लानिंग किया था, तुर्की के राजा से सहयोग लेने का, मतलब ये अभियान चलाने का प्रयास किया था, लेकिन कहा जाता है ना जब दुर्भाग्य जिनके साथ रहे तो उनका किस्मत भी साथ कभी नहीं देता है। ठीक है, हुआ ये कि खुरासान अभियान में तुर्की का राजा ही चेंज हो गया जिनके साथ ये संगठन किए थे, इस कारण से ये अभियान भी इसका फेल हो गया। ठीक है, दूसरा रहा कराची अभियान, कराची अभियान उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में किया था इन्होंने, वहां के राज्यों को जीतने के लिए। कहा जाता है कि इनकी सेना जो पहाड़ों में कभी नहीं चढ़ा था, ठंडे प्रदेश में कभी नहीं गया था, वो पहाड़ में जाता है सैनिक को युद्ध करने के लिए। कहा जाता है कि वहां की सेनाओं ने वहां पत्थर और गिरा में घर का करके मार दिया, सब सैनिक मर गए, कहा जाता है मात्र 10 को मतलब अधिकारी ही बच करके आए थे। तो कहीं कहीं अपने परिस्थितियों को देख करके इन्होंने संसाधन का उपयोग नहीं किया। पढ़ा लिखा होना और पढ़ लिख करके समझदार होना दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। आप पढ़ लिख करके अपने जीवन में अगर बेहतर उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये इतिहास पढ़ना या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना वो दुर्भाग्य की बात रहेगी, दुर्भाग्य की बात रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जिस चीज, आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उसका इतिहास को उलटाइए और देखिए कि हमारे इतिहास में इस क्षेत्र में जो हमारे पूर्वजों ने जो विकास किया है, जो बड़े बड़े नाम कमाया है, उसने कौन सा काम अच्छा किया, उसकी अच्छाई को लीजिए, उसकी बुराई को साइड कीजिए, तो इतिहास को उल्टा करके देखिए और उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, आप भी एक न एक दिन इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराएंगे। तो जो इतिहास से नहीं सीखता है वो एक न एक दिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मारता है। ये हमारे समाज में भी ये चीजें लागू होती है,
ठीक है, इसीलिए इतिहास एमबीटी पढ़ा लिखा सुल्तान था दोस्तों, लेकिन ये समझदार नहीं था, वो परिस्थिति को देखते हुए अपने जीवन में इतिहास को लागू नहीं किया और कहीं न कहीं गलती किया। अलाउद्दीन खिलजी मूर्ख सुल्तान था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास से सीखा, इतिहास को लागू किया और कहीं न कहीं सफल हुआ। तो ये चीजें होती है दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जुड़े अपने इतिहास को, अपने पृष्ठभूमि को उठाइए, देखिए किस प्रकार से ग्रोथ किया है, उस प्रकार को लागू कीजिए अपने जीवन में। तो इतिहास से जो सीखता है वो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज जरूर कराता है। आप एमबीटी के तरह पढ़े लिखे जरूर हो सकते हैं, लेकिन समझदार होना दो अलग अलग चीजें होती है। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही चर्चा करेंगे। इस तरीके से इतिहास का आप गहरा अध्ययन करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सरवन जीएस क्लासेस से, और इतिहास की गहरी रुचि रखते हैं आप तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, इसमें आप कंटिन्यू क्लास करें, ठीक है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और इस तरीके से आप लोग छोटा छोटा वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर कराना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें, हम आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक का बेहतर गहरा रुचि लेकर के आप लोगों को जो है कि वीडियो बताएंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक की समस्या आप लोग बताइए, हम छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों को देते रहेंगे। और लंबा वीडियो चाहते हैं, मेरा क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है ये गहरी रुचि रखते हैं इतिहास में तो आप मेरा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोगों को डेली वीडियो मिलते रहता है। और आप लोग मेरा नोट्स चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, हर वीडियो के लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।